बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इम्तियाज अहमद खान, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश एट विजनर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिबा। आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अ टॉपिक इज कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एनी नाउन दैट कैन बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ऐसा नाउन जिसको हम फाइव सेंसेस से, यानी कि उसको हम देख सकें, उसको हम टच कर सकें, उसको आप काउंट कर सकें, हम तो उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। एग्जांपल्स देखें, जैसे फ्लावर है, ट्री, कार, कैट एट्सेट्रा। इन नाउन्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, इनको हम जो है टच भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, इसीलिए इसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। इसके अगेंस्ट देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनी नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को आपने काउंट भी कर लिया, उसको आपने जो है टच भी किया, उसको आपने जो है वो देखा भी, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो जस्ट जो है आइडियाज़ होते हैं, उसको आप सिर्फ और सिर्फ रियलाइज़ कर सकते हैं, उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जांपल देखें, फर्स्ट है फियर, चाइल्डहुड, हेटरीट, एंगर। अब आप अगर फियर का वर्ड देखें, गुस्सा, चाइल्डहुड देखें बचपन, हेटरीट देखें नफ़रत, एंगर देखें गुस्सा, इन नाउन्स को हम रियलाइज़ कर सकते हैं, ना तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, ना इसे हम टच कर सकते हैं, इसीलिए जो है हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो कंक्रीट नाउन होते हैं उसको आप हम देख भी सकते हैं, उसको हम काउंट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जो इसके अगेंस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हम रियलाइज़ करते हैं। कभी हम ये नहीं कहेंगे एक गुस्सा, एक बचपन, एक नफ़रत या एक गुस्सा। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे डिफरेंस जो है वो हमने देखना है। फर्स्ट एग्जांपल है, आई डिसलाइक जेलसी। सेकंड एग्जांपल है, आई डिसलाइक एप्पल्स। थर्ड एग्जांपल, शी ऑफन रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड। फोर्थ वन, बेन बॉट अ बिग बंगलो। फिफ्थ वन, Wealth has turned his head. अब इसमें जो nouns bold किए हुए हैं, jealousy है, apples हैं और childhood है, bungalow है, wealth है। इसमें अब आप dear students differentiate करेंगे कि कौन से इसमें concrete nouns हैं और कौन से इसमें abstract nouns हैं। Formula वही रखेंगे, जिन nouns के ऊपर जो है five senses apply होंगी, जिनको हम touch कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन्स होंगे, और जिनको सिर्फ हम रियलाइज कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। आई डू होप कि इनमें आपने जो इनके आंसर्स हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे। अब जो फर्स्ट एग्जांपल थी, आई डिसलाइक जेलसी, जेलसी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जेलसी को हम सिर्फ रियलाइज करते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते एक जेलसी, दो जेलसी। सेकेंड है, आई डिसलाइक एप्पल्स, एप्पल्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, इसको हम टच भी कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। थर्ड में देखें, शी ऑफन रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड जो है वो एक आइडिया का नाम है, उसको हम रियलाइज करेंगे, चाइल्डहुड बचपन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चूँकि हम ये नहीं कहेंगे एक बचपन, दो बचपन। थर्ड वन है, बेन बॉट अ बिग बंगलो, जो बंगलो है उसको हम देख भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन है। फिफ्थ में है, वेल्थ हैज टर्न्ड हिज हेड, जो वेल्थ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, अगर आप कॉइन देखें या रुपी देखें तो हम रुपी को काउंट कर सकते हैं, कॉइन को काउंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं वन रुपी, टू रुपीज, थ्री रुपीज, इसी तरह हम कह सकते हैं वन कॉइन, टू कॉइन्स, थ्री कॉइन्स, लेकिन वो जो इसकी हालत है उसको हम जो है वेल्थ कहते हैं, और हम ये नहीं कहते एक दौलत, तीन दौलत, चार दौलत। शी पुट इन मच एफर्ट इन टू हर स्टडीज, शी पुट्स
इन मच एफर्ट इन टू हर स्टडीज। अब इसमें जो एफर्ट है और स्टडीज हैं वो हमने देखना है ये कौन से नाउन्स हैं। सेकेंड है दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। इसमें जस्टिस और ट्रूथफुलनेस देखेंगे कौन से जो हैं ये नाउन्स हैं। थर्ड में है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। इसमें हम ट्रेडर देखेंगे, ट्रस्ट देखेंगे, कस्टमर्स देखेंगे। फोर्थ वन है ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। इसमें केयर है और पेट है जी। इन एग्जांपल्स को देखने के बाद और जो पीछे एग्जांपल्स आपने जो है स्टडी की उनकी जो है रोशनी में हम समझ गए होंगे कि कौन से जो है इसमें कंक्रीट नाउन्स हैं और कौन से इसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल थी शी पुट्स इन मच एफर्ट इन टू हर स्टडीज। इसमें जो एफर्ट है और स्टडीज है और सेकेंड एग्जाम्पल में दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। इसमें जस्टिस है और ट्रूथफुलनेस है। जो रेड में जो है नाउन्स बोल्ड किए हुए हैं एफर्ट, स्टडीज, जस्टिस, ट्रूथफुलनेस, ये सारे जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। चूँकि जो जस्टिस का वर्ड होता है, इंसाफ का वर्ड है, ट्रूथफुलनेस सच्चाई है, इनको हम रियलाइज करते हैं, इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और थर्ड में है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। इसमें जो ग्रीन में है ट्रेडर और कस्टमर्स, ये हमारे जो हैं चूँकि हम इसको काउंट कर सकते हैं लिहाजा ये कंक्रीट नाउन है। लेकिन जो ट्रस्ट का वर्ड है जो रेड में बोल्ड किया हुआ है, ट्रस्ट को, इत्माद को हम काउंटिंग में नहीं ला सकते, लिहाजा ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ में देखें ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। जो केयर है, देखभाल है, वो एक आइडिया है, उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते एक देखभाल, दो देखभाल, तो लिहाजा ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो पेट है इसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जो पेट है ये कंक्रीट नाउन है। डेफिनेट आर्टिकल, अ डेफिनेट आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस अ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, द बॉयज, द नॉइज, द यूथ। इसमें जो द है बॉय के साथ, बॉयज के साथ, नॉइज के साथ, यूथ के साथ, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो चीज़ों को जो है डिटरमिन करता है नाउन्स को। तो ये सिंगल के साथ भी आता है और ये प्लूरल के साथ भी आता है। तो द को जो है हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इसमें ए और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। वेयर एज एन इनडेफिनेट आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ओनली। देर आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। पहले मैंने आपको बताया कि जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है और जो ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसमें एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट है अ मैन, सेकेंड है एन ओल्ड मैन। वी यूज एन ओनली वैन द इनिशियल साउंड ऑफ अ नाउन इज वोवल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब ए ई ए ई आई ओ यू आएंगे तो हमने वहाँ पे जो है वो एन लगाना है। हमने हरगिज ऐसा नहीं करना, हमने जो है वो साउंड देखनी है, ए ई आई ओ यू नहीं देखने। मसलन अब यहाँ पे है एन ऑनेस्ट मैन। अब जो एज है वो लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जब इसको हम स्किप करेंगे तो इसकी जो साउंड है इनिशियल वो है ओ। तो जो ओ साउंड है वो वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे जो है हमने एन का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया। इसी तरह डिग्रीज के साथ भी जो है हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है ए और एन। और जैसे एम ए है, इसकी जो फर्स्ट साउंड है उसमें किसी किस्म की जो है वो ऑब्स्टिकल नहीं है, रुकावट नहीं है, लिहाजा वहाँ पे जो है वो एन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट साउंड पे मैं फोकस कर रहा हूँ, फर्स्ट साउंड पे आपने रुकना है। अगर आप फर्स्ट से आगे साउंड पे चले गए तो साथ ही जो है गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अगर आपने पूरा वर्ड पढ़ लिया एम, तो वहां पे आप आ लगाएंगे कि उसमें तो रुकावट आ रही है। आपने फर्स्ट साउंड पे रुकना है ए, तो ए के ऊपर जो है किसी किस्म की रुकावट नहीं है, वहां पे हमने एन का वर्ड लगाया। इसी तरह एल एल बी है, आपने इसको पूरा नहीं पढ़ना, फर्स्ट साउंड पे आपने स्टे करना है, जिसकी फर्स्ट साउंड है वो है ए, तो ए के ऊपर जो है वो टंग, लिप्स या टीथ, इनमें से जो है कोई भी ऑर्गन यूज नहीं हो रहा, इसलिए हम एल एल बी के साथ जो है वो एन लगाएंगे। तो इन एग्जाम्पल से ये बात वाजे हो गई कि हमने ए ई आई ओ यू के जो वर्ड्स हैं वो नहीं देखने, बल्कि हमने जो है वोवल साउंड देखनी। वोवल साउंड वो होती है जिसकी जो फर्स्ट साउंड है उसको प्रनंस करते हुए किसी किस्म की जो है वो रुकावट ना आए। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल जो है डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएं या डेफिनेट लगाएं, और जहाँ पे नहीं लगना उसको ज़ीरो आर्टिकल के तौर पे यानी खाली छोड़ दें। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही आस्क मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क मी वॉज ईजी। थर्ड वन इज हैव यू सीन माई डैश स्कार्फ। फोर्थ वन इज कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट। फिफ्थ वन इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर। सिक्स वन इज यू ए ई इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। अब इनकी हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। फर्स्ट है ही आस्क मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आर्टिकल इस वजह से आया क्योंकि जो क्वेश्चन का वर्ड है वो सिंगल है और काउंटेबल भी है, तो लिहाजा हम यहाँ पे जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो अप्लाई करेंगे। ही आस्क मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस होता तो फिर हम यहाँ पे किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाना था। सेकेंड वन द क्वेश्चन दैट ही आस्क मी वॉज ईजी। यहाँ पे द इस वजह से इस्तेमाल हुआ है चूँकि ये रेफरेंस में आ रहा है, हवाला दिया जा रहा है, पर्टिकुलराइज हो रहा है। द क्वेश्चन दैट ही आस्क मी, वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा। जब आप किसी नाउन का जो है रेफरेंस देते हैं, हवाला देते हैं, इंडिकेशन में लाते हैं, तो उसके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। द क्वेश्चन दैट ही आस्क मी वाज ईजी, वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा वो आसान था। थर्ड वन हैव यू सीन माई स्कार्फ, इसमें किसी किस्म का आर्टिकल जो है इस्तेमाल नहीं हुआ। रीज़न ये है जो माय है वो पजेसिव केस है, जब आप मलकियती हालत लगाते हैं तो इसमें किसी किस्म का जो है वो आर्टिकल नहीं लगाते, जिसमें माय है, योर है, हर है, हिज हर, देयर है, क्योंकि ये पजेसिव केस हैं तो पजेसिव केसेस के साथ आपने किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाना होता। तो इसमें वैसे आएगा हैव यू सीन माई स्कार्फ, ये ज़ीरो आर्टिकल है, ज़ीरो आर्टिकल से मुराद कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। वैसे तो हम सॉल्ट के साथ, शुगर के साथ, मिल्क के साथ, वाटर के साथ किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन चूंकि ये खास जो है ना वो नाउन में इस्तेमाल हो रहा है तो लिहाजा इसके साथ जो है हम द लगाएंगे। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, वो सॉल्ट जो आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, आप लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये टेबल पे पड़ा हुआ है, आप दूसरों से मांग रहे हैं, अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपनी सिस्टर से, इस वजह से जो है हम इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। और नेक्स्ट वन इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर। यहाँ पे हम देखें कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है, अ गुड रेस्टोरेंट, ये इस वजह से है क्योंकि रेस्टोरेंट का वर्ड जो है वो सिंगल है और काउंटेबल है, तो जहाँ भी सिंगल काउंटेबल नाउन आएगा वहाँ पे हमने जो है वो ए और एन यूज करना है। द यू ए ई इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं उनके हम अब्रीवेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, मुखफफात के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे यू एस एस आर है, यू ए ई है, यू के है, यू एस ए है, इनके साथ भी हमने जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि यू दे के आपने जो है वो एन लगा देना है, यहाँ पर हम द लिखेंगे, द यू ए ई इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है नाउन फ्रेज। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें नाउन फ्रेज की। जो फर्स्ट इसकी है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन।
जो नाउन फ्रेज होता है वो एक नाउन का जो है वो काम करता है, ये वर्ड्स होते हैं और ये इटसेल्फ जो है वो कोई सेंस नहीं देते जब तक ये अपनी मेन क्लोज के साथ जो है इस्तेमाल ना किया जाए। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेप्यूटेशन ऑफ बींग अ जस्ट बिजनेसमैन। अब इसमें अ यंग ट्रेडर का वर्ड जो है या बिजनेसमैन का वर्ड है ये हमारे नाउन फ्रेजेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ मजीद इसमें एग्जाम्पल देखें, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसमें जो अ रोलिंग स्टोन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये इटसेल्फ जो है इसके मीनिंग नहीं है जब तक आप गैदर्स नो मॉस नहीं लिखेंगे। इसी तरह बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। अब इसमें जो बर्ड्स ऑफ अ फैदर है ये इटसेल्फ जो है मीनिंग नहीं दे रहे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन सब को जो है जो अंडरलाइन किए हुए हैं इनको हम नाउन फ्रेजेस कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, आप उसको अंडरलाइन करेंगे कि इनमें कौन से जो हैं वो हमारे नाउन फ्रेजेस हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। सेकंड वन इज वी डिस्कवर्ड बेन्स प्लान्स। सेकंड एग्जांपल इज वी डिस्कवर्ड बेन्स प्लान्स। थर्ड वन An oral presentation can be interesting. An oral presentation can be interesting. Fourth example is the recent food caused heavy damage. The recent food caused heavy damage. Or fifth hai, we saw flying birds. We saw flying birds. पीछे मैंने आपको बताया है कि जो noun phrases होते हैं वो group of words होते हैं जो बजाते खुद तो किसी किस्म की जो है वो सेंस नहीं देते लेकिन जब आप अपनी मेन क्लॉज के साथ मिलते हैं तो वो मफहूम पूरा करते हैं। अब आपने इन एग्जांपल्स में से जो है वो फाइंड आउट करने हैं कि कौन से जो हैं आपके नाउन फ्रेजेस हैं। हम इनके आंसर्स की तरफ आते हैं। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैड। अब इसमें जो ओल्ड फैशन हैड है वो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये काम कर रहा है नाउन का। सेकेंड था वी डिस्कवर्ड बेन्स प्लान्स। अब जो बेन्स प्लान्स है ये हमारा नाउन फ्रेज है क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। थर्ड वन एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। अब इसमें ओरल प्रेजेंटेशन जो है ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये नाउन का काम कर रहे हैं तो लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। फोर्थ वन द रीजन फूड caused heavy damage. The recent food caused heavy damage. अब इसमें recent food है और heavy damage है, इसमें two noun phrases हैं और दोनों जो है मिलके तो noun का जो है वो काम कर रहे हैं। Fifth one, we saw some flying birds. अब इसमें जो some flying birds हैं कुछ उड़ते हुए परिंदे और we saw हमने देखे, क्या देखे? Some flying birds. तो some flying birds जो है इसमें हमारा noun का काम कर रहा है लिहाजा ये हमारा नाउन फ्रेज है। डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स की मदद से आई डू होप कि आप इसमें समझ गए होंगे कि नाउन फ्रेज जो है वो क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और कैसे जो है हम इनको फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो पास्ट इनडेफिनेट वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट इनडेफिनेट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, past indefinite tense is used to express an incident or an occurrence took place in the recent past. This is also called simple past and it is reflected by second form of verb. ऐसा जो है वो अमल, ऐसा action, ऐसा वाक्या जो हाल ही में past में वाक्या हुआ हो उसको हम past indefinite भी कह लेते हैं और simple past भी कह लेते हैं और इसमें वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होनी होती है। अब इसमें एग्जांपल्स देखें, शी कुक्ड फूड यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है वो पास्ट में है तो लिहाजा हम यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी शी कुक्ड फूड यस्टरडे। सेकंड एग्जांपल देखें, आई रोट अ लेटर। इसमें जो रोट है ये राइट की सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट में या पास्ट इनडेफिनेट में यूज होती है।
थर्ड एग्जाम्पल देखें, दे डिड नॉट स्पॉयल देयर आंसर शीट्स। अब आपने पीछे भी जो है वो पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो सेकंड फॉर्म होती है जब इसको हम नेगेटिव में यूज करते हैं तो फिर डिड नॉट के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती, तो इसमें आप डिड नॉट भी यूज कर सकते हैं और डिडेंट भी यूज कर सकते हैं। जब आप डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डिडेंट, तो उसे हम नेगेटिव कंट्रैक्शन कहेंगे। इसके अगेंस्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ऑनगोइंग इवेंट्स और एक्शंस इन द पास्ट। यानी माजी के अंदर जो है अगर कोई काम जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। दिस इज रिफ्लेक्टिव बाय वाज वर प्लस पार्टिसिपल। तो इसमें आपने सब्जेक्ट के बाद जो है वाज वर लगाना है और वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसे हम जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वाज कुकिंग फूड इन द किचन। अब इसमें आप देख रहे हैं वाज के साथ कुकिंग का वर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है। वाज इस वजह से है कि शी के साथ हमने वाज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। शी वाज कुकिंग फूड इन द किचन। आई वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही अराइव्ड। जब वो पहुंचा तो मैं खत लिख रहा था। इसमें दो हिस्से हैं, तो फर्स्ट पार्ट में जो है हम वाज वर के साथ आईएनजी लगाएंगे, सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो हम सिंपल पास्ट लिखेंगे। दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द हॉल। वो हॉल में जो है वो शोर नहीं कर रहे थे। इसमें आपने वर जो है लगाया हुआ है। रीजन ये है कि जब हम दे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल नाउन लगाएंगे, वहां पे हम वर का वर्ड लगाएंगे। और जो वाज होगा वो आई के साथ है, ही के साथ है, शी के साथ है और इट के साथ है, या सिंगल जो है नाउन के साथ हम वाज का वर्ड लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पीछे जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, अब उसकी रोशनी में जो सिंपल पास्ट है आपने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में जो है वो चेंज करना है। ही प्लेड अ मैच। अब ये सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट को जो है हम अब पास्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा है कि वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। ही वाज प्लेइंग अ मैच। सेकंड एग्जांपल, शी डिड नॉट पील पोटैटोज। पील मैंने छीलना होता है, और सेकंड फॉर्म का जब आप नेगेटिव करते हैं तो डिड नॉट के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट पील। अब इसी को नेगेटिव में जो है आपने पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाना है। शी वाज नॉट पीलिंग पोटैटोज। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे तो वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एग्जांपल, डिड ही कैच फिश। अब जब सेकंड फॉर्म को आपने इंट्रोगेटिव करना है तो डिड के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी, डिड ही कैच फिश। अब इसी इंट्रोगेटिव स्टाइल में जो है हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे, और जो वाज का वर्ड है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। वाज ही कैचिंग फिश। फोर्थ एग्जांपल, ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर। अब ये सिंपल पास्ट का जो है वो पैसिव सेंटेंस है। आपको याद होगा कि जब हमने सेकंड फॉर्म का जो है वो पैसिव करना हो तो वाज वर के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म के अंदर है, इसी वजह से जो है यहाँ पे वाज के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म लगी हुई, ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर। इसी को जो है हम पैसिव में चेंज करेंगे, ही वाज बीइंग पनिश्ड बाय हिज फादर। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जब आपने सेकंड फॉर्म का पैसिव करना हो तो वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव करना हो तो आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो रिमूव करके वहां पे बीइंग लगाते हैं, फॉर्म थर्ड ही रहेगी, ही वाज बीइंग पनिश्ड बाय हिज फादर। फिफ्थ सेंटेंस, हु रोट दिस स्टोरी। हु के साथ जो है आपने डू डस डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज नहीं करना होता, लिहाजा यहाँ पे डिड इसी वजह से नहीं है। हु रोट दिस स्टोरी, हम ये नहीं कहेंगे हु डिड राइट दिस स्टोरी, वो गलत हो जाएगा। हु रोट दिस स्टोरी। अब इसी जो है वो सिंपल पास्ट को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, हु वाज राइटिंग दिस स्टोरी। इन एग्जांपल्स की जो है रोशनी में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें समझ गए होंगे कि इसको कैसे यूज करना है। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो इंसिडेंट में है और कौन सा जो है वो ऑनगोइंग जो है वो फॉर्म के अंदर है। फर्स्ट सेंटेंस इज,
what dash you do when I dash call you last night. अब इस सेंटेंस में देखें इंसिडेंट कौन सा है और कंटिन्यूस फॉर्म में जो है कौन सा पार्ट है. सेकेंड वन इज आई डैश सिट इन द कैफे वैन यू डैश कॉल मी. थर्ड वन इज वैन यू डैश अराइव एट द बस स्टैंड हु डैश देयर. फोर्थ वन इज शमसा डैश वॉच अ फिल्म वैन शी हियर द नॉइज. नेक्स्ट वन इज वी डैश प्ले टेनिस वैन जावेद डैश हर्ट हिज एंकल. अब इस सेंटेंस को आपने देखना है कि कौन से जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है और कौन से जो है वो इंसिडेंट में है. अब इसके आंसर्स देखें. फर्स्ट सेंटेंस था व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट. अब इसमें जो कॉल्ड का फॉर्म है वो आपका इंसिडेंट है और व्हाट वर यू डूइंग ये जो फॉर्म है वो ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, कंटिन्यूस फॉर्म में है. तो इसके साथ आप वाज वर के साथ आई एन जी लगाएंगे और नेक्स्ट में जो है वो सेकेंड फॉर्म लिखेंगे. यू के साथ जो है हमेशा प्लूरल वर्ब आता है तो इसके साथ वर आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉज सिटिंग इन द कैफे वैन यू कॉल्ड मी. अब जो कॉल्ड का जो है फॉर्म है वो सिंपल पास्ट है, इंसिडेंट है, अकरेंस है और वॉज सिटिंग जो है वो ऑन गोइंग जो है फॉर्म है तो वॉज के साथ जो है वो आई एन जी लगेगा. थर्ड एग्जाम्पल देखें वैन यू अराइव एट द बस स्टैंड हु वॉज देयर. अब यहाँ पे अराइव जो है वो इंसिडेंट है और वॉज देयर जो है वो वहाँ कौन था, इसमें जस्ट प्रेजेंस है, इसमें कोई फॉर्म नहीं है, इसी वजह से जो है इस पार्ट के अंदर आई एन जी वाली फॉर्म नहीं है. नेक्स्ट शमशा वॉज वॉचिंग अ फिल्म वैन शी हर्ड द नॉइज. अब इसमें इंसिडेंट कौन सा है, हर्ड, और ऑन गोइंग फॉर्म कौन सी है, वॉज वॉचिंग. शमसा वॉज वॉचिंग अ फिल्म वैन शी हर्ड द नॉइज. नेक्स्ट वी वर प्लेइंग टेनिस वैन जावेद हर्ड हीज एंकल. इसमें कंटिन्यूटी किस पार्ट में है, वी वर प्लेइंग टेनिस और वैन जावेद हर्ड हीज एंकल. इसमें फॉर्म चेंज नहीं हुई क्योंकि जो हर्ड है ये इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो एक जैसी है तो इसको आप डी या ई डी फॉर्म से जो है वो नहीं लिख सकते. हर्ड का हर्ट ही रहेगा. वी वर प्लेइंग टेनिस वैन जावेद हर्ट हीज एंकल. आई डू होप कि इन मजीद जो है एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह जो है वो समझ गए होंगे कि कहाँ पे हमने जो है वो सिंपल पास लिखना है और कहाँ पे जो है हमने पास कंटिन्यूस फॉर्म लिखनी. जो इंसिडेंट होगा वो आप सेकेंड फॉर्म से जो है लगाएंगे और जो कंटिन्यूटी पाई जाएगी जिसमें कंटिन्यूस फॉर्म में होगा जो पार्ट उसमें आपने वाज वार के साथ आई एन जी लिखना है. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट.